उधर रायपुर में हुई कांग्रेस की बैठक पर भाजपा ने निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दो राज्यों में सिमट कर रह गई है। राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव बेहद हास्यास्पद है। कांग्रेस में राहुल गांधी से योग्य कोई नेता ही नहीं है। गांधी परिवार की चाटुकारिता से कांग्रेस नेताओं का राजनीतिक करियर सुरक्षित रहेगा। कांग्रेस पार्टी के जिन शहजादे साहब ने कांग्रेस को पूरे देश में दो राज्यों तक सिमटा दिया है और उन्हीं शहजादे साहब को एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित करना मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। और इससे दो बातें परिलक्षित होती है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी से ज्यादा योग्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, और दूसरा ये कि आप यदि इस परिवार की चाटुकारिता नहीं करेंगे तो इस पार्टी के अंदर आपका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। क्योंकि पुराना जो अनुभव बताता है कि जिन लोगों ने भी इस परिवार को चुनौती देने की कोशिश की है उनका क्या हश्र हुआ है ये पूरी दुनिया ने देखा है।